नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। गठबंधन के प्रसार बिना निष्कर्ष संपन्न अविश्वास के प्रस्ताव में समर्थन। स्वयं सब सरकार में नहीं जाए बल्कि एमाले की सरकार में लैब। सद्भावना सह अध्यक्ष कर्ण के कहब। अमेरिका के लुइजियाना में एक व्यक्ति द्वारा गोली मारकर 3 प्रहरी अधिकारी की हत्या। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा सहितक संघीय गठबंधन के बैसार बिना निष्कर्ष संपन्न भेलै छ। मोर्चा में आबत तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी आ तराई मधेस सद्भावना पार्टी के शीर्ष नेता सब अनुपस्थित भेला के बाद गठबंधन के रवि दिनक ललितपुर में बैसल 6 घंटा लंबा बैसार बिना निष्कर्ष संपन्न भ गेल। 1 महीना से लंबा रिले अनशन संपन्न भेल। परसु भी ने गठबंधन आंदोलन के भावी कार्यक्रम के विषय में छलफल के लिए रवि दिन बैसार बजौने छल। बैसार में तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर, सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र महतो आ तराई मधेस सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र यादव अनुपस्थित छलै। 3 दल के शीर्ष नेता अनुपस्थित भेला के बाद बैसार से कोनो निर्णय नहीं केने गठबंधन में आबद्ध दल के नेता सब बताने छथि। यद्यपि गठबंधन के संयोजक उपेन्द्र यादव रिले अनशन लगायत विगत में भेल आंदोलन के समीक्षा करे के क्रम नहीं सम्पन्न भेला से बैसार अनिर्णित बनल बतौलन। ओ आई बैसा लागल बैसार से आंदोलन के भावी कार्यक्रम तय कैल जात बतौलथ। नेकपा माओवादी केंद्र सरकार से बाहर भेला के बाद नया सरकार गठन के कसरत शुरू भेल अवस्था में गठबंधन कौन किता में ठार हाथ से विषय में सब दल के एकमत नहीं अला के बाद बैसार आज धर के लिए स्थगित कैल गेल। नया सरकार गठबंधन में लागल सद्भावना पार्टी के सह अध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्ण आ नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा ओली सरकार के बहिर्गमन पश्चात नया सरकार गठन में कोनो संवैधानिक जटिलता नहीं रहल बतौलने। रफत संसार क्लब रवि दिन आयोजना केने साक्षात्कार कार्यक्रम में सद्भावना के सह अध्यक्ष कर्ण ओली सरकार मधेश के मां के फकरा में सीमित करे कोनो संबोधन नहीं कला से नया सरकार गठन होब लागल बतौलन। वो कांग्रेस आ माओवादी गठबंधन के अपन पार्टी समर्थन करत मुदा सरकार में नहीं जात कहलन। वो मधेशवादी दल सब एमाले के विरोधी नहीं रहल प्रश्न कलथ। अपने सब ओली प्रवृत्ति के मात्रे विरोधी रहल कर्ण कहलन। नया बनय वाला सरकार में एमाले के सेहो शामिल कला से निक हैत वो सुझाव दिलथ। दक्षिण के पड़ोसी देश के गैर नहीं पढ़ला से खाना नहीं पसा वाला बीमारी के कारण नेपाल आ भारत बीच के संबंध बिगड़ल हुनकर दावी छन। वही में एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थप मलजल के ने आरोप नेता कर्ण लगौलन। भारतक भर में मधेश आंदोलन भेल कह के आरोप के सेहो वो खंडन कलन। मधेशी मोर्चा आबद्ध दल के केंद्रीय नेता सब नेकपा माओवादी केंद्रक अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल पर व्यंग करते सब दिन बोली बदलव वाला व्यक्ति दहाल रहला आरोप लगौलक। वो सब माओवादी केंद्रक अध्यक्ष दहाल समय अनुसार बोली बदल के फायदा लेब चलाक नेता रहल से आरोप लगौने। संघीय गठबंधन द्वारा सप्तरी में बीतल 16 दिन से जारी रिले अनशन के समापन के अवसर में काल्हि राजविराज में आयोजित कार्यक्रम में संघीय समाजवादी फोरम नेपालक केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा मंत्री रेणु कुमारी यादव कहली जे अपने अनुकूल के फायदा लेब बोली बदल वाला नेता के रूप में दहाल के लेल जा सकते। शनि दिन राजधानी के खुला मंच में संघीय गठबंधन के अनशन स्थल में पहुँचकर माओवादी केंद्र अध्यक्ष दहाल नैहर घूर के आयल जका लागि रहल अछि। से अभिव्यक्ति प्रति व्यंग करैत यादव कहली ससुरारि में कुन दुख पड़ल छल जे ओ दहाल जी कहलथि जे हम नैहर आयल छी। सरकारक एगोटे मंत्री नेपाली कांग्रेस आ नेकपा माओवादी केंद्र अपने अनुकूल होब सका संविधान के व्याख्या करके क्रम नहीं रोकल गेल तो संसद विघटन होब सकते चेतावनी देने। उद्योग मंत्री सोम प्रसाद पांडे संविधान के धारा 298 नया सरकार गठन के कल्पना नहीं केने कहत कांग्रेस आ माओवादी केंद्र बहुमत के आड़ में नया सरकार गठन के प्रक्रिया में गेल तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन कर सकते संभावना रहल बतौलन। रिपोर्टर्स क्लब रवि दिन काठमांडू में केने साक्षात्कार में उद्योग मंत्री पांडे प्रधानमंत्री ओली संसद विघटन के विषय में अखने किछ नहीं सोचने मुदा संविधान के अपना अनुकूल व्याख्या करे के क्रम नहीं रोकल गेल तब नहीं सोचने स्थिति आवश्यक संभावना के नकारल नहीं जा सकैया कहलन। साक्षात्कार में नेकपा माओवादी केंद्रक नेता वर्षमान कुन संविधान में प्रधानमंत्री के संसद विघटन के अधिकार नहीं रहल मुदा प्रधानमंत्री ओली ऊपर भर नहीं भेला के कारण से अपन पार्टी बजट पारित कर नहीं मानने कहलन। वो प्रधानमंत्री ओली संसद विघटन करे के हल्ला चल्ला के कारण से माओवादी केंद्र राजनीतिक रूप से सतर्क भ के अविश्वास के प्रस्ताव पर छलफल भेला के बाद मात्र बजट पारित कर सहयोग करब निर्णय लेने बतौलन। माओवादी केंद्रक नेता पुन अल्पमत में पड़ल प्रधानमंत्री ओली के सचेत युवा के नाम में कार्यकर्ता के सड़क में उतारि के माओवादी केंद्र ऊपर दलाल के आरोप लगाब शोभा नहीं देत बतौलन।
ओ सरकार में रह कर साथ दैत काल देशभक्त होब के आ सरकार से बाहर भेला के बाद दलाल होब के परिभाषा कत से आयल गई का प्रश्न करत हिम्मत अच्छ अविश्वास के प्रस्ताव विरुद्ध बहुमत जुटा के देखा प्रधानमंत्री ओली के चुनौती दिलत माओवादी केन्द्रक नेता पूर्ण माओवादी केन्द्र बिना सरकार अल्पमत में पड़ल आ व्यवस्थापिका संसद में अविश्वास के प्रस्ताव से दर्तावेल अवस्था में प्रधानमंत्री ओली माओवादी केन्द्र आ नेपाली कांग्रेस के गारि पर से निक राजनामा देना सबसे निक हाथ बतौलन साउन के पहल सप्ताह भीतर हल समय धनसा में धान खेती योग्य जमीन के 55% क्षेत्रफल में रोपनी भेल जिला कृषि विकास कार्यालय के बमोजिम फाटफुट रूप में पानि पड़ते रोपनी संतोषप्रद भेल पूर्वी धनसा के खजूरी चनाहा सबैला रघुनाथपुर लगात के क्षेत्र में उल्लेख्य मात्रा में धान रोपाई हो नहीं सकते शनि दिन से पड़ल पानि के कारण कमला नदी में जलस्तर बढ़ला से रोपनी में प्रगति होब के काज भ रहा कृषि कार्यालय जनौलक मध्य तथा पूर्वी मधेश के जिला समय पानि पड़ला के बाद मात्र कमला नदी में जलस्तर वृद्धि होत कमला नदी से पूर्वी धनसा के 11,000 हेक्टर क्षेत्रफल में सिंचाई होते आयल पानि पड़ला के बाद स्वाभाविक रूप में नदी में आश्रित होब नहीं पड़े भेला से रोपनी के प्रतिशत वृद्धि भेल कृषि विकास कार्यालय धनसा जनौलक धनसा के कुल 65,000 हेक्टर धान खेती योग्य क्षेत्रफल में से 35,750 हेक्टर क्षेत्रफल में रोपनी भ चुकल बीतल वर्ष साउन के पहल सप्ताह 40% मात्र धान रोपनी भेल नियमित पानि पड़ला के बाद उत्पादन में सेहो वृद्धि हाथ कृषि प्रसार अधिकृत के दावी है अखन यथेष्ट पानि पड़ते फल लागत के समय में पानि नहीं पड़ला के बाद उत्पादन में घटबट होते आयल नेकपा माओवादी केन्द्र द्वंद्व काल के घटना के छानबीनक लेल सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग के में उजरी दिलक माओवादी केन्द्र राज्य के दिस द्वंद्व काल में भेल हत्या अपहरण बेपत्ता बलात्कार आगजनी लगात के घटना के छानबीन के मांग करैत रवि दिन आयोग में एकमुष्ट उजरी देने अछि उजरी दर्ता के लेल नेत्री रेखा शर्मा आ माओवादी केन्द्र कार्यालय के मुख्य सचिव प्रहलाद बुढ़ाथोकी आयोगक बबर महल स्थित कार्यालय पहुँचल छलथि उजरी में राज्य के दिस से भेल सबटा हिंसात्मक घटना के छानबीन कर दोषी पर कार्रवाई आ पीड़ित के न्याय दियाब मांग कैल गेल मुख्य सचिव बुढ़ाथोकी बतौलन आयोग उजरी दर्ता के लेल देने म्याद रवि दिन सम्पन्न भेल आयोग बीतल बैसाख 5 गते से उजरी लेब शुरू केने में 60 दिन म्याद अखार 2 गते सम्पन्न भेला के बाद फिर से 1 महीने म्याद थप केने छल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगक अध्यक्ष अनुप्रा शर्मा विस्तृत शांति समझौता से द्वंद्व काल के घटना के पीड़क के उन्मुक्ति देव के कल्पना नहीं केने कहत पीड़ित सबके न्याय नहीं दिल गेल त अंतर्राष्ट्रीय जगत हस्तक्षेप कर के चेतावनी दिलन मानवाधिकार संघ संबंधित एक दर्जन संस्था रवि दिन काठमांडू में केने अंतरक्रिया में आयोगक अध्यक्ष शर्मा शांति समझौता से दंडहीनता के अंत्य तथा मानवाधिकार आ स्वतंत्र न्यायपालिका के अवधारणा प्रति प्रतिबद्धता जनौने अवस्था में ओके विपरीत पीड़क सबके उन्मुक्ति दिल गेल त अंतर्राष्ट्रीय जगत हस्तक्षेप करत बतौलन ओ द्वंद्व काल के घटना के पीड़क के केहन कार्रवाई हाथ कह के अंतर्राष्ट्रीय जगत साइक लक देख रहल से हो बतौलत अंतरक्रिया में सहभागी कतेको मानवाधिकार कर्मी सब द्वंद्व काल के घटना के मुद्दा देख वाला अदालत के गठन के निष्कर्ष नहीं भेला से सब दोषी के जते जल्दी भ सके कार्रवाई के दायरा में आना नियमित अदालत में मुद्दा दायर कर पड़त बताने छल ललितपुर में गैस विस्फोट से 2 गोटे के मृत्यु भेल घटना भेल बेसी दिन नहीं बीतत वीरगंज में सेहो सिलेंडर विस्फोट भेल लियो कंपनी उत्पादन करवाला 12 ब्रांड के गैस सिलेंडर विस्फोट भेला से पैघ भौतिक क्षति भेल घर भित्रे रहल दुटा धियापुता मुश्किल से बचल वीरगंज उप महानगरपालिका के 19 नगवा के शंभु प्रसाद शाह सोनार के घर में रहल सिलेंडर गैस विस्फोट भेल घटना में ककरो किछ नहीं भेल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जनौलक मुदा विस्फोट से शाह के घर के एक दिशक देवाल सब पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त भेल मानवीय क्षति नहीं भेल कहत घटना बाहर नहीं आनल गेल छल बीमा बापत के क्षतिपूर्ति के विषय में पीड़ित परिवार अनभिज्ञ रहला से सिलेंडरे गायब बनाब प्रयत्न कैल गेल स्थानीय बताने अछि मुदा सामाजिक संजाल सब मार्फत घटना सार्वजनिक भेला के बाद प्रहरी सेहो घटना के विषय में मुँह खोलने अछि आब इंटरनेशनल न्यूज अमेरिका के लुइजियाना में एक व्यक्ति गोली मारकर 3 प्रहरी अधिकारी के हत्या कलक लुइजियाना राज्य के राजधानी बाटन रूज में आक्रमणकारी अंधाधुंध गोली चलला के बाद अन्य 3 प्रहरी अधिकारी घायल से भेल घायल में से एक गोटे के अवस्था गंभीर रहल CNN जनौलक अंधाधुंध गोली चलाब वाला आक्रमणकारी के प्रहरी कार्रवाई के मृत्यु में प्रहरी कार्रवाई में मृत्यु भेल पहले घटना में 100 से बेसी आक्रमणकारी संलग्न रहल खबर आयल छल मुदा बाद में लुइजियाना प्रहरी के कर्नेल माइक एडमंडसन घटना में 1 गोटे आक्रमणकारी मात्र संलग्न रहल बतौलन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा घटना के निंदा कयने छथि ओ प्रहरी अधिकारी ऊपर भेल घटना बहुते कायरपूर्ण रहल बतौलन
प्रहरी पर भ रहल आक्रमण के कोनो हालत में तर्कसंगत मानल नहीं जा सकैए आ एहन आक्रमण करे वाला ककरो प्रतिनिधित्व नहीं करे के लेल हुनकर कहब छन्। स्थानीय समय अनुसार रवि के भिनसर 9 बजे घटना भेलै छ। किछ समय आगू लुइजियाना में एक अश्वेत व्यक्ति के प्रहरी के गोली लाग कऽ मृत्यु भेला के बाद अमेरिका भर विरोध प्रदर्शन भेल छल। ओकर बाद मिनेसोटा में एक प्रहरी ऊपर गोली प्रहार भेल छल। घटना के विरोध में डलास में एक अश्वेत व्यक्ति 5 प्रहरी अधिकारी के हत्या केने छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। पाकिस्तान इंग्लैंड के लॉर्ड्स टेस्ट में 75 रन से पराजित कलक आ 4 टेस्ट मैच के श्रृंखला में 1-0 के अग्रता ले लक। चारिम दिन जीत के लिए 283 रन के लक्ष्य पौने इंग्लैंड के टीम 207 रन में ऑल आउट भेल। पाकिस्तानक लेल ब्रेक स्पिनर यासिर शाह दोसर पारी में 69 रन दक 4 विकेट लेलन। कुल 10 विकेट लेने वो मैन ऑफ द मैच भेलन। ऐसा आगू पाकिस्तान दोसर पारी में 215 रन में ऑल आउट भेल छल। हुनकर लेल असद सफीक सर्वाधिक 49 रन बनौलन त इंग्लैंड के सी आर वक्स 5 विकेट लेने छल। पहल पारी में पाकिस्तान कप्तान मिश्वा उलहक के शतक के मदद में 339 रन बनौने छल। अ के संगे मिश्वाक सबसे बेसी उम्र में शतक बनाव वाला बैट्समैन के सूची में पड़ल। इंग्लैंड पहल पारी में 272 रन बनौने छल। अपन न्यूज अखन के लिए लतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।